हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट 2024 में एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और इंडियन आर्मी के जो भी बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेके जो बीएससी नर्सिंग डिग्री है उसको कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे जब मैंने एमएनएस 2024 से रिलेटेड जो वीडियो है उसको इस चैनल पर शेयर किया, तो बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम, जो एमएनएस 2024 में अगर हमें पार्टिसिपेट करना है तो हमें कौन कौन से फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, कौन कौन से एग्जाम्स जो हैं उनमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम जो भी फॉर्म आपको फिल करने हैं, कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, उन सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो इंटरेस्टेड है कि उन्हें इंडियन आर्मी के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे बीएससी नर्सिंग जो डिग्री है उसको कंप्लीट करना है और फिर एज ए नर्सिंग ऑफिसर जो इंडियन आर्मी के हॉस्पिटल्स हैं उनमें नर्सिंग ऑफिसर अपनी जो जॉब है उसको कंटिन्यू करनी है। लेकिन सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो परेशान हो जाते हैं वो इस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं कि मतलब हम अगर हमें एमएनएस में पार्टिसिपेट करना है तो हमें एमएनएस का फॉर्म फिल करना पड़ेगा या फिर नीट का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम एक क्लियर डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से फॉर्म को फिल करना है, कौन कौन से एग्जाम्स जो है उनमें पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको नीट एग्जाम का जो फॉर्म है 2024 के लिए, क्योंकि आप एमएनएस 2024 में पार्टिसिपेट करने वाले हो, वो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें 2024 में एडमिशन लेने वाले हो, तो आपको नीट एग्जाम 2024 का जो फॉर्म है उसको सबसे पहले फिल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी होगी। उसके अलावा जो नीट एग्जाम 2024 का जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ठीक है, उसके बाद आपको जो इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एमएनएस का जो फॉर्म है उसको फिल कर देना होगा। ठीक है, एमएनएस का फॉर्म 2024 का जैसे ही नीट एग्जाम 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा वैसे ही फॉर्म जो है वो फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप में से जो भी स्टूडेंट मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो वो नीट एग्जाम 2024 का जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो वैसे ही एमएनएस का फॉर्म जो है उसको फिल कर दें। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जैसे ही आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा, सभी स्टूडेंट फॉर्म को फिल कर देंगे तो एक कंप्लीट लिस्ट बनेगी कि नीट एग्जाम 2024 में जिन भी स्टूडेंट के मार्क्स ज्यादा होंगे और जिन्होंने एमएनएस का फॉर्म फिल किया होगा उनकी एक कंप्लीट लिस्ट बनती है। ठीक है, अब जो भी कंप्लीट लिस्ट बनेगी उसमें से जो भी स्टूडेंट है, जो मतलब टॉप मेरिट में जो भी स्टूडेंट होंगे उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि जो आगे जो TOGIGE कंडक्ट करवाया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये TOGIGE क्या है, तो TOGIGE का जो फुल फॉर्म है वो है टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश। ठीक है, ये जो टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिसमें मेनली आपसे जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। टोटल 40 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं, यानी टोटल 80 मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो होता है। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग जो है वो कंसिडर्ड की जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे आपने नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट किया तो ये एग्जाम क्यों कंडक्ट करवाया जा रहा है, क्योंकि नीट एग्जाम में आप जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सिलेबस को पढ़ते। ठीक है, लेकिन आप जैसे ही एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप जैसे ही आपकी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होगी तो आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर अपनी जॉब को कंटिन्यू करोगे। तो जो भी स्टूडेंट एमएनएस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो उनको ये देखा जाता है कि जो स्टूडेंट है उनको जनरल नॉलेज से रिलेटेड कितनी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उसके अलावा उनकी जो इंग्लिश है वो कितनी अच्छी है। ठीक है, वैसे जनरल इंग्लिश से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्लास 12th तक के लेवल के पूछे जाते हैं, इतनी कोई हायर लेवल की इंग्लिश आपसे नहीं पूछी जाती है। ठीक है, तो जैसे ही आपका TOGIGE कंप्लीट होगा तो उसके बाद जो है जो भी स्टूडेंट जिन्होंने TOGIGE में पार्टिसिपेट किया उसके बाद जो है उनका साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंटरव्यू क्यों कंडक्ट करवाया जाता है, तो इंटरव्यू इसलिए कंडक्ट करवाया जाता है कि आप जो है आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके की है, जो भी स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए हैं वो किस तरीके से चीजों को हैंडल करना जानते हैं, क्योंकि आप जो है आगे चलकर एक नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले हो, आप एज ए ऑफिसर इंडियन आर्मी में अपनी जॉब को कंटिन्यू करने वाले हो, तो ये देखा जाता है कि मेनली जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी किस तरीके की है, उनको चीजों को हैंडल किस तरीके से करना आता है, जो इमरजेंसी कंडीशंस हैं उनको किस तरीके से आप हैंडल करोगे, क्योंकि आप इंडियन आर्मी के साथ साथ जो मेडिकल फील्ड है उसको भी आगे कंटिन्यू करने वाले हो। ठीक है, तो जब आपका इंटरव्यू जो है वो कंप्लीट हो जाएगा,
अब जिन भी स्टूडेंट्स का जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उन सभी स्टूडेंट्स की एक कंप्लीट लिस्ट बनाई जाएगी और फिर उन्हें जो है वो इन्फॉर्म किया जाएगा मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। जी हाँ, मेडिकल फिटनेस टेस्ट जो है वो भी एमएनएस में कंडक्ट करवाया जाता है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट मेडिकली फिट हो वही इस फॉर्म को फिल करें, ठीक है। मेडिकल फिटनेस टेस्ट जो कंडक्ट करवाया जाता है उसका जो क्राइटेरिया है वो नॉर्मल जो इंडियन आर्मी का जो मेडिकल क्राइटेरिया है उससे थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकली फिट जरूर होने चाहिए, ठीक है। जब आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद स्टूडेंट्स की एक फाइनल लिस्ट बनेगी और जिन स्टूडेंट्स का नाम उस फाइनल लिस्ट में होगा वही जो है वो इंडियन आर्मी के जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और वहां से अपनी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो ये जो है वो कंप्लीट प्रोसीजर है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट 2024 में एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और अगर वो मतलब किसी भी टेस्ट फॉर्म से रिलेटेड अगर उन्हें कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।